नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से अंत तक आप जुड़े रहें और ध्यान से इस टॉपिक को सुने। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन या शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन के क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, हमारे दिमाग में अनावश्यक चिंता रहती है, और भी कई हमारा खान पान है, कुछ कारणों की वजह से आज के युवाओं में एक शीघ्र पतन की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्री मैच्योर इजैक्युलेशन बहुत ज़्यादा इनको शिकायत आने लग गई है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर होते हैं जो या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स होते हैं या फिर उनमें प्री मैच्योर इजैक्युलेशन की उनको शिकायत होती है। दोस्तों, यदि आप जब आप सेक्स करने जा रहे हैं और जब आप सेक्स करते हैं तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही, या मैं अगर बोलूं कि कुछ स्ट्रोक्स के अंदर ही अगर आपका वीर्य स्खलित हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैक्युलेशन, या इसको शीघ्र पतन की शिकायत कहते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस तरह में फिर आपका आगे जाकर आपका वैवाहिक जीवन आपका खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इससे न तो आप संतुष्ट हो पाते हैं न आपका फीमेल पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड हो सकता है। इसलिए इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो अविवाहित युवा है वो आगे जाकर विवाह से उनको कतराने लग जाते हैं, और उनको शादी से उनको एक थोड़ा सा डर सा लगने लग जाता है कि मैं अगर शादी करने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ ये इस तरह की वापस प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना वैवाहिक जीवन को कैसे निभा पाऊँगा। इस तरह की कुछ कंडीशन डेवलप हो जाती है और आगे जाकर वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जब वो ढंग से सेक्स नहीं कर पाते हैं तो आगे जाकर यह निसंतानता का एक बहुत बड़ा एक कारण बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से यह प्री मैच्योर इजैक्युलेशन या शीघ्र पतन डेवलप हो जाता है। दोस्तों, का जो सबसे पहला, जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है आपका स्ट्रेसफुल लाइफ। यानी अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे आपका वो जॉब को लेकर हो, अगर इस तरह की अगर आपकी लाइफस्टाइल है, अगर इस तरह का आपका जीवन है, तो आपको इसमें प्री मैच्योर इजैक्युलेशन के बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जिन्होंने अपने भूतकाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन किया होता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया होता है तो भी वो इस तरह की कंडीशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी अगर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो मेल हार्मोन है मेल स्पेशली, और वो हमारे जो पुरुष को पुरुष बनाता है और उसके सारे जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप करता है और उसमें इरेक्शन को प्रॉपर करता है, इजेक्युलेशन को प्रॉपर करता है, अगर उस हार्मोन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी यह प्री मैच्योर इजेक्युलेशन डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में जाते हैं, यानी उनको वो सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जब वो सेक्स करते हैं, तब ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी यह प्री मैच्योर इजेक्युलेशन की शिकायत हो जाती है, यह एक उसका बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जिनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है पेनिस में, या उनके पेनिस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है, तो उसकी वजह से भी यह प्री मैच्योर इजैक्युलेशन हो जाता है। इसके अलावा जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या कुछ तरह की वो मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको प्री मैच्योर इजैक्युलेशन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ समय पहले ही आपको अगर किसी लंबी बीमारी से अगर आप घिरे हुए रहे हैं तो यह भी एक इसका बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर आप ओबेज हैं, मोटापा है अगर आप में, तो यह भी एक इसका एक मुख्य कारण होता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसके कारण, और अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों, ट्रीटमेंट पार्ट में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह से आप उसको थोड़ा सा चेंज करें। एक तो सेडेंटरी लाइफ जो होता है, बस खाना पीना और थोड़ा सा सो जाना या सुस्त भरा जो जीवन होता है उसको आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आप चेंज करें, थोड़ा आप एक्टिव रहें, आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप हेल्दी डाइट लें, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप इसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप अगर इसमें फास्ट फूड और जो बाहर का जो जंक फूड होता है उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है जो दी जाती है प्री मैच्योर इजैक्युलेशन या शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए। दोस्तों, होम्योपैथी में प्री मैच्योर इजैक्युलेशन या शीघ्र पतन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जरूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस का इसको मेडिसिन को लेने के लिए, और मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपको इसके बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
दोस्तों इसमें जो जो मुख्य मेडिसिन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसकी मुख्य मेडिसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो सिम्टम वाइज दी जाती है, बट इसकी जो मुख्य मेडिसिन है उसमें अगर मैं बात करूँ, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो आती है इसका एक एसिड फॉस का मदर टिंचर। एसिड फॉस का मदर टिंचर को लेने का तरीका होता है दोस्तों, 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। सेक्सुअली किसी भी तरह की अगर वीकनेस है तो उसमें एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फॉस को लें, उसके साथ साथ एक और दूसरा मदर टिंचर है जो आपको लेना होता है, वो होता है ट्राइबुलस टर का मदर टिंचर। ट्राइबुलस टर का मदर टिंचर इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इन दोनों को आप लें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ पोटेंसीज होती है जो दी जाती है वो होती है दोस्तों इसमें लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 प्रीमेच्योर एजुकेशन की बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम 30 को लेने का तरीका है दोस्तों, 2-2 बूंद डेट जी पर दिन में 3 बार लें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दोस्तों जो एक और मेडिसिन है जो प्रीमेच्योर एजुकेशन बहुत अच्छी दवा है वो है दोस्तों टाइटेनियम मेटेलिकम 30। टाइटेनियम मेटेलिकम 30 को लेने का तरीका होता है 2-2 बूंद डेट जी पर दिन में 3 बार, इसके भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है कि आप जस्ट जब भी आप सेक्स करने जाते हैं तो जस्ट हल्का सा छूने से या जस्ट गले लगते हैं, फोरप्ले के दौरान अगर आप स्खलित हो जाते हैं, तो उसके लिए एक मेडिसिन बताऊं दोस्तों, वो है कॉनियम मैक 30। कॉनियम मैक 30 इस तरह की कंडीशन बहुत अच्छे परिणाम देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। कॉनियम मैक 30 को भी लेने का तरीका है 2-2 बूंद डेट जीप पर दिन में 3 बार लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है जो प्री मेच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन की जो समस्या है उसको दूर करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। ज़रूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस या मेडिसिन लेने की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।